ये अजीब सा कुछ हो रहा है, अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूं मैं, मेरे को लग रहा है। आज मैं सीधा तब चल पा रहा हूं जब स्टीयरिंग थोड़ा सा बेंड है। ये देखो और ये देखो। अरे ऐसे कैसे 3000 रुपये खर्चा आ जाएगा भाई, हम कल थोड़ा पैदा हुए हैं इस वाली मार्केट में। सो गाइस ये देखो यार, बारिश हो गई है। अभी मैं मनाली से निकला हूँ। ये कैमरा मेरे को लग नहीं रहा कि जस्टिस कर पा रहा है, बट डिसेंट बारिश हो रही है। थोड़ा सा फॉग भी जमना स्टार्ट हो गया। अच्छा, जिन लोगों ने जिप्सी चलाई है, जिन लोगों को जिप्सी के बारे में पता है, उनको ये भी पता होगा कि जिप्सी में अंदर हीटर नहीं आता, जो डीफॉगर बोलते हैं, जिसको डीफॉगर नहीं आता, तो इसमें फॉगिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। आपकी गाड़ी में जैसे ही बारिश होती है, काफ़ी फॉग जमना स्टार्ट हो जाता है और ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जिप्सी को। तो इन सिनेरियोज में फिर मैं टिश्यू पेपर साथ में रखता हूँ और टिश्यू पेपर से साफ करता रहता हूँ। प्लस एक वो जो विंडो है अपने बगल वाली, उस वाली विंडो को, लेफ्ट वाली विंडो को थोड़ा खोला है भाई। ठंड भी बहुत है, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और मैं शॉर्ट्स पहन के गाड़ी चला रहा हूँ और ठंड सी लग रही है। अब देहरादून जा रहा हूँ और वैशाली, वीर और अंगद को दूंगा सरप्राइज। अभी किसी को बताया नहीं है, कैफे बंद किया है और अब मैं डायरेक्ट ड्राइव कर रहा हूँ देहरादून के लिए। तो लेट्स सी, बस थोड़ा जो जल देव हैं वो थोड़ी कृपा बना के रखें और थोड़ी बस बारिश कम हो तो मज़ा ही आ जाए रास्ते का, अपनी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। गाइस यार सारा ही मज़ा किरकिरा हो गया भाई। आगे हो रखा है लैंडस्लाइड, आगे हो रखा है लैंडस्लाइड। ये देखो सारी गाड़ियां जो हैं वो रुकी पड़ी हैं। एक बार चेक करते हैं भाई, यहाँ लगा के साइड में काफ़ी सारे भाई लोग खड़े हैं। भाई यार मैं कैसे निकला हूँ, जल्दी बाजी में निकला हूँ, सब कुछ मैंने बंद किया कैफे जल्दी 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 जल्दी। ये लोग सारे भाई लोग, अपने को पता होता कि ऐसा होने वाला है तो नहीं निकलना था। वो सारी बसेस खड़ी हैं, ये सारे ट्रक्स बसेस सब रुके पड़े हैं। लैंडस्लाइड है बिल्कुल आगे, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। मैं अभी आगे होके आया हूँ, ये पता लगा है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रात को 12:30 बजे से 3 बजे तक का टाइम दिया हुआ है इनको, मशीनों को, जो भी मशीनें कटिंग कर रही है पहाड़ों की। तो ये देखो भाई सब बंद है भाई, लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, सरकार ने कोई नोटिस नहीं लगाया। यहाँ पे ना कोई खाने पीने की जगह है, ना यहाँ चाय की जगह है, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। बस यहाँ पे वेट करेंगे 1.5-2 घंटे, क्या करेंगे भाई, या तो सो जाऊँगा, पर अपने पास काफ़ी पेंडिंग काम चल रहा है तो अपना पेंडिंग काम निपटा लेंगे। फाइनली गाइस 3 बज गए और यहाँ से गाड़ियाँ मूव होनी स्टार्ट हो गई है। मैंने तो अच्छी खासी काम वाम करने के बाद लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने झपकी लेने का सोचा। मैं झपकी ले रहा था तब तक देखा कि हॉर्न बजने लग गए हैं। हॉर्न बजने का मतलब है जी गाड़ियाँ बेसिकली चलनी शुरू हो गई। चलो चलो जी हम भी निकाले गाड़ी 2 घंटे बाद। गाइस आज चलते चलते ना सब कुछ ही होगा, मतलब सब कुछ ही होगा। ये देखो फॉग हो गई है यार रास्ते में, काफ़ी ठीक ठाक सी फॉग हो गई है। कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ में कम है, बट ठीक ठाक सी फॉग हो गई है। अभी फ़िलहाल रात के बज गए हैं 4:22। यहाँ से रास्ता रहता है चंडीगढ़ कुछ 2.25 घंटे दूर। ये देखो जैसे ये वाला पैच है, इस हालत ना बद से बदतर हो रही है। कुछ पैचेस तो लिटरली ऐसे आए थे कि जहाँ पे दिख भी नहीं रहा था गाड़ी के आगे क्या है। भाई पुलिस वालों ने आगे रास्ता रोका हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे रास्ते में से मुझे डाइवर्ट कर दिया है। भाई एक तो कोहरा हो रखा है, ऊपर से पुलिस वाले चरखियां घुमवा रहे हैं। आपने बताया नहीं राइट लेना है, मैं तो गया उधर ही था। राइट लेना, ठीक है अब तो राइट लेना, ठीक है ठीक है ओके। चलो भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फेक पुलिस है। होता था ना पहले कि फेक पुलिस बैठी होती थी, आपको किसी गांव के रास्ते में डाइवर्ट कर देती थी और फाइनली आपको पता लगता था अब आपके साथ लूटमार हो गई है। आई होप ये ऐसा ना हो। जितना जल्दी मैं पहुंचना चाहता हूं देहरादून, उतने ज़्यादा डिले हो रहे हैं। आज रात मतलब सब कुछ ही जो गलत हो सकता है वो होगा। अच्छा भाई तो एक और न्यूज़ दे दूँ आप लोगों को अपनी, भाई ये विंडो ख़राब हो गई है, ये जो साइड की आप देख रहे हो विंडो है, ये विंडो ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या हुआ, इसमें पानी गया, क्या हुआ, बारिश हो रही थी जिस समय, उसके बाद से ये विंडो यहाँ पे स्टक है, यहाँ से ना ऊपर चढ़ रही है ना नीचे जा रही है। ये देखो ये बटन है, बटन दबाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। चलो
रास्ता नापते हैं अब अपना। ये कैसी रोड आ गई, कैसी रोड आ गई है, पता नहीं किस जंगल के बीच में होगा इस समय। अब सूर्यदेव ही मार्गदर्शन करेंगे, थोड़ी देर में सूर्यदेव आ जाएंगे, 5 बजने वाले हैं। चांद देखो ऊपर, वो देखो चांद, वाओ भाई ये अजीब सा कुछ हो रहा है, अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूँ मैं, मेरे को लग रहा है आज। वो चांद है, ये रोड है, ये अपनी जिप्सी है, आसमान नीला हो गया है, डस्क का टाइम हो गया है भाई, रोड ना स्टीप होती चली जा रही है। आई एम 100% श्योर ये रास्ता दिन में अगर मैं देखता तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता। हम तो बादलों के ऊपर आ गए। ओ भाई ये कैसे कट आया, ओ खतरनाक, बादलों के ऊपर आ गए भाई, सीधे सीधे बादलों के ऊपर आ गए। पता नहीं कैमरा दिखा भी पा रहा है, जस्टिस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, बट करेंटली हम लोग बादलों के ऊपर हैं गाइस। वाओ वो देखो मैं रोक के दिखाता हूँ, वो देखो यार बादलों के बिल्कुल ऊपर हूँ। मैंने सोचा नहीं था गाइस कि इतनी सुंदर जगह पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये देखो गाइस बिल्कुल बिल्कुल बादलों के ऊपर आके हम लोग खड़े हो गए हैं, और इतना सुंदर नज़ारा, आज की सुबह तो बहुत ही सुंदर हो गई है यार। हाँ ये और बात है कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ होता तो शायद मुझे डर ज़रूर लगता इस रास्ते पे, बट अभी अकेला हूँ तो पता भी नहीं चल रहा, और अच्छा लग रहा है इनफैक्ट। फिलहाल मैं स्वारघाट क्रॉस कर रहा हूँ, अगले 1.5 घंटे में मैं चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद अपना देहरादून का सफ़र शुरू करूँगा। सो अगर मैं 7 बजे भी पहुंचता हूं चंडीगढ़, तो 7 बजे के बाद 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक मैं मोस्ट प्रोबेबली देहरादून पहुंच जाऊंगा, और फिर दूंगा एक सरप्राइज़। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वैशाली का सुबह 9 बजे फ़ोन आएगा तो मैं फ़ोन उठा के क्या बोलूं। गुड 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 मॉर्निंग गाइस, मैं पहुंच गया हूं वापस हिमाचल में, हिमाचल में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं देहरादून से कुछ अभी 100 किलोमीटर दूर हूँ, एक जगह पड़ती है नाहन, तो ये पौंटा साहब वाला रास्ता मैंने लिया है। और ये देखो अभी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं चाय और फ़ैन के साथ। आप लोगों को भी फ़ैन अच्छा लगता है तो बताना, मेरे को फ़ैन बहुत पसंद है, स्पेशली जब वो चाय के साथ सर्व होता है तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये अपनी गाड़ी लगी है मेरे पीछे, और ये वो चाय की टपरी है जहाँ रुक के मैंने चाय पी है। अब यहाँ से लगभग 2.5 से 3 घंटे का रास्ता और बचता है, फिर हम पहुंच जाएंगे देहरादून। बड़ा क्रेजी डे है। सो, रात को क्या हुआ था आप लोगों को याद है, उस रास्ते पे मैं था जो पुलिस वालों ने मुझसे ज़बरदस्ती दिलवाया था, वो गांव वाले रास्ते पे। तो वहाँ पे ना एक जब मैं ड्राइव कर रहा था तो एक गड्ढा आया था, काफ़ी बड़ा गड्ढा था, और उस गड्ढे में मेरा टायर गया था, जो ड्राइवर साइड वाला टायर है वो गया था। तो हुआ क्या कि उसके बाद से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का जो अलाइनमेंट है ना वो बिगड़ा हुआ है, जो स्टेयरिंग है वो थोड़ा सा, मतलब जब मैं सीधा तब चल पा रहा हूँ जब स्टेयरिंग थोड़ा सा बेंड है। अगर स्टेयरिंग मेरा लेफ्ट साइड को बेंड है, आई वुड से क्वार्टर स्टेयरिंग बेंड है, तो मेरी गाड़ी स्ट्रेट चल रही है। और हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं एक्सीलेटर से पैर हटा रहा हूँ तो गाड़ी लहरा रही है, ब्रेक मार रहा हूँ गाड़ी लहरा रही है। अब दो चीज़ें लग रही हैं मुझे, मैंने अपने जो बहुत ही ट्रस्टेड मैकेनिक है उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया, मुझे बताया या तो इसका कोई पट्टा टूट गया, क्योंकि जब वो गड्ढे में गई थी बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, बहुत 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 तेज़ आवाज़ आई थी, जैसे लोहे से लोहा टकराया हो, तो या तो इसका कोई पट्टा टूट गया है, और या फिर इसका जो स्टीयरिंग की जो रॉड है, रैक पिनियन वाली जो रॉड है, जो स्टीयरिंग की रॉड है वो बेंड हो गई है। तो अब देहरादून जाते ही पहला काम ये होगा कि भाई मेरे पास देहरादून में और कोई गाड़ी नहीं है, और मुझे बहुत ज़्यादा कम्यूट करना है, तो सबसे पहला काम ये होगा, घर जाने से भी पहले मेरे को इस गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ेगा, और तब जाके मेरे को जाना पड़ेगा। कैसे ही होता है ना, आज के दिन में हर वो प्रॉब्लम आई है जो आ सकती थी, मतलब आप मान के चलो 2 घंटे का रास्ता बंद, फिर उसके बाद टनल बंद, उसके बाद यू नो ये पट्टे का काम या स्टेयरिंग कॉलम का स्टेयरिंग रॉड का काम, तो ये सब कुछ ही लग रहा है। मेरे को लग रहा था मैं 9, 9:30, 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, अब 9, 9:30 बज चुके हैं, 9:30 बज रहे हैं अभी, और अभी भी मैं 100 किलोमीटर दूर हूँ। भाइयों मैं आ गया 400 किलोमीटर गाड़ी चला के, और अब पता लग रहा है कि भाई ये पट्टा टूटा पड़ा है, ये तो ध्यान ही नहीं, मैं आगे लगा रहा था कि आगे में कुछ हुआ है, पर ये देखो ये पट्टा टूटा हुआ है, और ये पिछला टायर बिल्कुल, भैया 400 किलोमीटर चल गई है उस पर,
अच्छा जी भाई, हैट्स ऑफ टू जिप्सी। यही है वो गाड़ी जो झेल सकती है ऐसी बीटिंग। पट्टा टूटा पड़ा है भाई, पट्टा टूटना बड़ी बात होती है। ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, ये पट्टा टूटा हुआ है, ये देखो, और ये देखो। इस पट्टे टूटे होने के बावजूद ये गाड़ी 400 किलोमीटर चल के आगे गई। देखो गाइस, टाइम हो गया 12:40। अपने को गाड़ी चलाते चलाते हो गए हैं लगभग 13 घंटे बाद मैं पहुंचा हूं देहरादून, और देहरादून में सबसे पहले मैं आ गया हूं गैराज। अभी तक मैंने जितने भी अपने मैकेनिक्स को बताया कि भाई ये पट्टा टूटा और मैं 400 किलोमीटर गाड़ी चला के ले आया हूं उसके बाद, तो सारे के सारे ना बिल्कुल हैरान हो रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। फिर फाइनली यही इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि भाई जिप्सी है तो हो गया, वरना और कोई गाड़ी होती ये हो नहीं पाता। भाई हैट्स ऑफ आज जिप्सी के लिए रिस्पेक्ट डबल ट्रिपल हो गई भाई। जिस कंडीशन में पट्टा है ना, देखो आगे से अगर पट्टा टूटा हो ना, मतलब पिछला पट्टा अगले साइड से टूटा हो तो ज़्यादा बुरा होता है। अगर पीछे कोई बैठा होता तो गाड़ी लेट जाती, टेढ़ा हो जाती। मैं अकेला था, गाड़ी में वजन कम है, तो इस वजह से ये सारा चल गया। और इसके बाद ना जब मैं कराऊंगा आप देखना खर्चा कितना आया, भैया से पूछेंगे खर्चा कितना आएगा। तो गाइस, जिस दुकान में मैं पहले गया था, वो जो बड़ी सी फैंसी सी वर्कशॉप थी, काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे, वहाँ से मैं निकल के आ गया हूँ और बिल्कुल एक लोकल वाली जो कमानियों की शॉप होती है, जहाँ पे कमानियों का एक्चुअल काम होता है, वहाँ आ गया हूँ। उन्होंने बहुत मोटा खर्चा बता दिया था। देखो ये है वर्कशॉप, यहाँ पे मोस्टली कमर्शियल गाड़ियों का काम हो रहा है और यहाँ पे जेन्युइन रेट होगा। अब मेरी एक आदत है, अपना जो भी काम होता है वो अपना सामने खड़े होकर मैं करवाता हूँ, चाहे वो मटेरियल लेना हो चाहे वो लेबर हो, सब कुछ अपने सामने कराता हूँ, तो मेरे को फैंसी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अब आपको दोनों के कोड बताऊँगा, उन्होंने कितना बोला था और इन्होंने कितना बोला है। और बाय द वे गाइस, मैं उस शॉप में सबसे पहले इसलिए घुस गया क्योंकि वो सबसे पहली शॉप पड़ती है देहरादून एंटर करते ही, और मुझे था कि कहीं कोई मेजर ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा चल के ख़राब हो जाए। वैसे ये भी मेजर ही है। क्या हुआ? किसी और गाड़ी की जरूरत है। मशीन इस गाड़ी में आती नहीं थी, तो किसी और की लगी होगी, ऑल्टो की लगी होगी किसी की। अब इत्मीनान से ऐसा काम करना कि रोना धोना कम हो जाए हमारा। ये भी हटा दो यार मेरे ख्याल से ना, सेंट्रल लॉकिंग हट जाएगी। सेंट्रल लॉकिंग के लिए ना मुझे सबको डब्बा अंदर डालना पड़ता निकाल। मैं वही कह रहा हूँ, ये सारे तारे फ्री हो जाएंगी, है ना, बिल्कुल मैनुअल सादी गाड़ी बना देंगे इसको, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देख लिया, जो चीज़ बाहर की लगी हुई होती है वो कामयाब नहीं है। जितना सोचा था कि जल्दी पहुँचूँगा उतना ही लेट हो गया, पूरा दिन निकल गया है। पर चलो लेट हुआ तो हुआ, कहीं फंसे नहीं, बुरा कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आई। भाई 3:15 हो गए, भूख लग रही है। अब ये देखो राजमा चावल खाने आ गया हूँ। वीर के लिए कुछ चॉकलेट्स ले लिए हैं, जाने से पहले खुश हो जाएगा बेचारा। और ये देखो भाई, ये है अपने राजमा चावल, एक बाइट लेके देखा मैंने, अच्छे लगे मेरे को। जो मुझे राजमा चावल खाने में आता है वो तो किसी चीज़ में आता ही नहीं है। तो भाई लेबर चार्जेस पे किए हैं 300 रुपये कमानियों को फिट करने के, और अब देखते हैं कमानी आई कितने की एक्चुअल में। तो भाई अब मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैं पहली दुकान में गया था वो सर्विस सेंटर था, और उस भाई ने मुझसे मांगे थे 3,000 रुपये एक पट्टा चेंज करने के, जिसमें से भाई ने बोला था कि 800 रुपये उसकी लेबर होगी और बाकी सामान का लगेगा। और ये जो मैंने दूसरी जगह कराया, 300 रुपये मैंने लेबर पे करी है पट्टे चेंज करने की, और 560 रुपये का आया है पट्टा, और इसका लगभग 100 रुपये के आए हैं बुश और पिन वगैरह। तो मोटा मोटा 665 रुपये का सामान आया है और 300 रुपये अपनी लेबर लगी है, मतलब 1,000 रुपये में काम हो गया है। तो भाई ये जो दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा के झूठ बोलने वाली आदतें हैं ना, ये लोगों को बंद करनी पड़ेंगी। जस्ट बिकॉज आपने बहुत महंगी दुकान ले रखी है, बहुत बड़ा रेंटल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कस्टमर कट जाएंगे। बाकी आई अंडरस्टैंड, देखो लेबर के चार्जेस आपने बोले 800 रुपये, मेरे को ओके है, आप ले लो भाई। आप मेरे को एसी में बैठाओगे, आप मुझे पानी पूछोगे, आप मेरे को चार चीज़ें अंग्रेज़ी में बोलोगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि 800 रुपये आप लोगे, मेरे को ओके है भाई। कम से कम बिल ऑफ सप्लाई में तो ऐसा मत करो, जो सामान की कॉस्ट है उसमें तो मेरे से मत लो ना एक्स्ट्रा। जब मैंने आपसे पूछा था कि भाई पट्टे की कॉस्ट क्या है, आपने मेरे को एक लमसम बता दिया 3,000 रुपये खर्चा आ जाएगा जी। अरे ऐसे कैसे 3,000 रुपये खर्चा आ जाएगा भाई, हम कल थोड़ा पैदा हुए हैं इस वाली मार्केट में। तो एनीवे चलो अब अपना काम हो गया है और मैं अभी निकला हूँ। बस हाँ ये है कि पूरा दिन ख़राब हो गया अपना। ये देखो चला, टाइम हो रहा है 4:28, गर्मी हो रही है दबा के। और चलो शीशा सही करा लिया, 200 रुपये शीशा को सही कराने के लगे हैं। फाइनली अब शीशा बंद किया है तो एसी ऑन कर दिया। ये देखो मेरी गाड़ी में ऐसा वाला एसी का वो लगा हुआ है, छोटा सा बटन है,
ये छोटा सा बटन है, ये एसी का काम करता है। अब जब एसी लग गया, एसी ऑन कर दिया, अब मज़ा ऐसा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी में। मेरे जैसा इंसान जो जनरली एसी में रहना पसंद नहीं करता, कभी कभी मेरे को भी अच्छा लगता है एसी में रहना। आज का पूरा दिन बड़ा टायरिंग था, अब मैंने एसी ऑन किया तो मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंटरिंग द सोसाइटी, वेरी एक्साइटेड टू मीट माई फैमिली एंड वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी देयर रिएक्शन। तो आप लोगों को याद होगा मैं किस तरीके से सोसाइटी से गया था जब मैं गया था, और आई वॉज़ वेरी सैड। तो मेरा मन तो लग नहीं रहा था वैसे भी मनाली में, तो मैं वापस आ गया हूँ मिलने के लिए फैमिली से। भाई लाइफ में मैंने जब जब सरप्राइजेस प्लान किए हैं मेरे साथ लगभग ऐसा ही हुआ है। सो अभी मैंने घंटी बजाई, घर में कोई भी नहीं है, तो अब मैं इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं देखता हूँ, शायद मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा की पड़ी है, उस एक्स्ट्रा की को लेके मैं अंदर एंटर कर जाऊँगा। तो क्या स्पेयर की मिल गई है, अब इसको लेके मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। ओके, कहीं ये लोग घूमने गए हुए हैं इसका मतलब। नहीं, उस टाइम पे मैं अपना ना जिप्सी का काम करा रहा था। अब चल रही है ना सही? हाँ सही चल रही है। और आपका क्या हुआ, आप दिल्ली कब आ रहे हो? बताऊंगा, तुम फ्री हो जाओ अपना आराम से ना, पहले शॉपिंग वॉपिंग निपटा लो। चलो ठीक है। ओके बाय। भाई ये तो गई है शॉपिंग करने। यही होता है भाई सरप्राइजेज में ना, यही होता है, ये सबसे बड़ा कांड है सरप्राइजेज का कि सामने वाले को थोड़ा पता होता है कि तुम आने वाले हो यार। अब ये गई है शॉपिंग करने, मेरे को आ रही है बड़ी तगड़ी वाली नींद। क्या करूँगा कि नीचे से जाके सबसे पहले अपना सामान ऊपर लेके आऊँगा और फिर वेट करूँगा, और क्या कर सकते हैं इन लोगों का। यही शाम के बज के 7, अभी तक वैशाली आई नहीं है वापस। अपनी फ्रेंड के साथ गई है शॉपिंग करने और अब मेरे को आने लग गई है नींद, बैठे बैठे नींद आ रही है। लेट्स सी सरप्राइज का क्या होता है। एक्चुअल में सरप्राइज कर भी पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। अच्छा फिर अच्छा, और फिर और क्या हुआ उसके बाद, ये भी तो बता दे। अच्छा ऐसा हुआ, मारूंगा।